सनी की स्टोरी ये है कि ईद स्पेशल ब्लॉग है और ये होगी घरों पे कराची के नाल। गुलिस्ताने जौर से यहाँ तक का फासला है, आना जाना है 120 किलोमीटर। 11 लीटर पेट्रोल डलवा लिया मैंने। लेट्स मूव। यकीन करो ये जामन कोई काम नहीं आएंगे, खामा खाई में लिए हाजमे के काम आएंगे, शुगर फ्री होते हैं भाई। किन लोगों के साथ मैं घूम रहा है यार? पक्का अच्छे दिन में अपना मोबाइल पर। भाई अगर रमीश चुप हो जाए तो मैं बताऊं कि हम चटाई लेने रुके क्योंकि चादर लेना भूल गया। फुल गहमा गहमी, फिर कैफे इमरान, फिर हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी भाई। घरों पे फिर रुक गए, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हाँ भाई सामान ही खरीदे जा रहे हैं यार, कब पहुंचेंगे? रोटी ले लिया भाई, लाल रोटी। यस ये कर कैफे इमरान से तकरीबन 4.5-5 किलोमीटर बाद हमारा पॉइंट आ जाता है कराची कैनाल वाला। निशानी ये है कि अब आप यहाँ से चलेंगे जो पहला लेफ्ट पे सीएनजी पंप आएगा या पेट्रोल पंप है, शायद पावर है, पूमा है, क्या बिल्कुल इसके अपोजिट दिखता है कट, बारीक सा कट है, ना पूमा ना पावर, फास्ट फास्ट पेट्रोल पंप है, इसके अपोजिट है ये छोटा सा कट है, वो जारी कराची कैनाल। अभी हम यू टर्न लेके आगे से तकरीबन 1-2 किलोमीटर बाद है यू टर्न, लेके वापस आते हैं। हेलो जी हम आ गए फास्ट पेट्रोल पंप के अपोजिट, बारीक सा कट जो एंट्रेंस है ना इसकी, आती ये हरा हरा पानी कमाल है, दोनों साइड है कनाल। अब यहाँ पे कई दरख्त हैं, उनमें आप कहीं भी बैठ सकते हैं। हमारा वो स्पॉट है, दो दरख्त हैं इसके बीच में, कहीं बैठ जाएंगे। ये रहा भाई हमारा स्पॉट, एक ही दरख्त है लेकिन दो के बराबर है, मैं ये कह रहा था। ठीक है पार्किंग भी इस दरख्त के नीचे जाएगी। ओहो क्या ठंडी हवा आ रही है, और आते हाँ आ गए, कौन हो वो पूछ रही है कौन हो। इस जगह की क्या तारीफ करूँ यार, हर दफा पानी पीछे गुज्जू पंपिंग स्टेशन से आ रहा है, कराची को सप्लाई होता है। ये दो नालियां हैं या कैनाल कह लें, ये जा रहा है धाबी जी पंपिंग स्टेशन, वहां से पानी फिल्टर भी होगा और कराची को सप्लाई होगा। अब बहुत से लोग जो के कमेंट में लिखने वाले हैं हमें तो पानी मिलता नहीं कराची में, तो यार ये जुल्म और ज्यादती है। आप दुआ करें कि ये लोग पानी आपके घर तक पहुँचाए, जौहर में हमारे तक तो पानी आ रहा है। कहते हैं कि ये जो पीछे गुज्जू पंपिंग स्टेशन है जहाँ से ये पानी धकेल के यहाँ भेजा जा रहा है, पीछे हाले जी लेक और करली लेक से पानी आता है जो कि गुज्जू पंपिंग स्टेशन पे पहुंचता है, फिर वहां से आगे सप्लाई होता है। इस वीडियो को लाइक करने से शैतान आपको रोकेगा, मगर आप लोग शुरू में कर देगा। अली भाई यार 12 बज रहे हैं यार, जल्दी से बताएं क्या इंतजाम आते हैं, करना क्या है जल्दी जल्दी बताएं। करना हमें ये है कि ऊँट के गोश्त के हमने बनाने हैं कच्चे कीमे के कबाब, और ऊँट के गोश्त की बोटियाँ, बिहारी बोटी। अली भाई कम नहीं है पत्थर? कम तो है, जमा करें। ये वजू तो कर ले पहले, कब से बैठा हुआ है वो। ये लंबा वजू होता है ना इसका, ईशा की नमाज का वजू है वो, लंबा होता है। बाद में करते हैं ईशा की नमाज का वजू 17 रकत होती है ना उससे लंबा। अरे भाई बस कर यार, ये कूलर से एंग्री वर्ड खेलेंगे है रमीज। अली भाई मैंने सबको बोला है कि ये ईद स्पेशल है, ये ईद स्पेशल ही लगनी चाहिए ब्लॉग। स्त्री ले आते हैं यार घर से, अरे वाह माशाल्लाह, अरे इतना वजन नहीं उठा बेटा, डॉक्टर ने मना नहीं किया तुम्हें। ये भूखे पेट जो करवा रहे हो ना काम, ओ अरे भाई बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी लिया है आज। ये चपली कबाब बनने वाले और यहाँ पे सीख लगाएंगे, 3 लोग हैं तो बहुत ज्यादा तो इंतजाम नहीं करने। प्याज काटते हुए इंसान इतना हिलता क्यों है अली भाई?
आग लगा दो। ये बताएं ये छोटा डलेगा नहीं डलेगा? इसमें डलता है ना, उमामी टेस्ट आता है। भाई खैर है, खैर है। क्या नाम है? नाम क्या? हाँ नालो फजल यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार ये कोयले पहले कर लो ताकि अंगीठी वाला काम शुरू हो जाए। इस मॉल में बैठने का ही अपना मजा है। ओहो हवा चल रही है, शहर में भले गर्मी हो मौसम देखें यहाँ बेहतर है। मेहमान आ गए यूसुफ भाई जाना आग लगाने में मदद कर रहे हैं क्योंकि रमेश भाई से तो नहीं हो रहा था। वाइट पेपर ओरिगानो क्या है ये? लहसुन का पाउडर। क्या पुड़िया निकाली आखिरी आपने? अदरक का पाउडर है। यस टाइम काफी हो गया, हम 12 बजे आए थे, 1 बजने में तकरीबन कोई 7-8 मिनट है। पानी का बहाव एनी टाइम ऐसे ही रहता है तेज। अच्छा भाई यहाँ नहाइएगा नहीं? 20 फीट है ये गहराई इसकी, देखने में नहीं लग रही होती है लेकिन है। ये भेड़ की चर्बी जो है ना इसके लपेटी इन्होंने अली भाई की, ये जो ना हमेशा की कारिस्तानी होती है। कॉर्न डॉग लग रहा है ये गिर तो नहीं जाएगी अली भाई? ये जो बिहारी बोटी बनेगी ना ऊंट के गोश्त की, भेड़ की चर्बी इस पे लिपटी हुई। ओए होए होए होए। हाँ जानता हूँ कुछ भाई जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल वाले और चर्बी ना खाइएगा ये वाले सारे मैसेज करने वाले हैं। यार करने दो, अभी देखो करने दो, इस वीडियो के लिए करने दो यार। ये तो मैं कह रहा हूँ जो वीडियो में देख रहे हैं ना वही हमारे पेट में दर्द कर देगा खाने के बाद भी। वो ना मिलेगा अब तुम्हें जिसकी तुझे तलाश है। हाउ जूसी यार, हाउ जूसी। वाह 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 वाह। हाय रे कबाब तेरी किस्मत, अली के हाथों से बना और हम सबके मुंह में गया, बाकी सबके पेट में दर्द हो गया। वो कोने वाला जरा तेल में ले आए। मामू कबाब, मामू, अरे मामू कबाब, मामू कबाब। ये लकड़ी पे गिरा उठ सकता है ये वाला कबाब। दिखाया भाई, दिखाया भाई। वो हमारा सामान तैयार हो गया। बकौल अली भाई क्या लाना अली भाई? पेप्सी। क्या? पेप्सी। कैसी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक है, ऐसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक मैं प्रेफर करता नहीं। ओहो अंदर बर्फ भरी हुई है, चिल्ड ड्रिंक निकली अंदर से। ओहो रोटी भी यही थी, रोटी आ गई। नींबू डालूं? अरे खा लिया आपने, निकाले। ओहो हाँ फुल बिहारी ऊँट के कबाब की बोटी है ये, जो आपने ऊपर चर्बी लगाई ना इसने इसको जूसी तरीन कर दी। लाए 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 लाए, ये मैंने पकड़ी बोटी, इसमें देख उतर कैसे रही है। हाय 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 हाय, बिहारी में नींबू की क्या कम। ओहो फुल पिघलता हो गया, मुझे लगता है कि इसको देखने में इतना मज़ा आ रहा होगा सबको। ये देखें ये पकड़ी, रिपोर्टर का अंदाज। सही हो गया, सही हो गया। आप क्या
सिट्रस थोड़ा बड़ा मुंह लेते घर से है, बड़ा वाला मुंह चाहिए था। वाह वाह, जलने वालों कमेंट कर दो इस पे बुरे बुरे। अभी आखिरी काम कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है सफाई का। अपने बर्तन भी साफ कर रहे हैं। खाना कैसा बनाया अली भाई ने? सुठो बनाया। हाँ, कमेंट में बता देना भाई ये ईद ब्लॉग कैसा लगा यार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बेहतरीन किस्म की रेसिपीज जो है ना, ये आप जो इस पर करते रहते हैं तजुर्बा, समझ रहे? एक आप ही हैं जिसको मैं बोलता हूँ इधर आ जाए और कोई तजुर्बा करना है आज, और आप हमारे साथ चल दे। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को अगर 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दोगे तो इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी। पैक अप। I always give away too much. It's like I've got no sense of touch.